नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया 10 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। कश्मीर में नहीं थम रहा टारगेटेड किलिंग एक्शन में केंद्र सरकार, सीआरपीएफ की 5 और कंपनियां भेजी जम्मू कश्मीर। दूसरी बड़ी अपडेट, आज अफगानिस्तान संकट पर एनएसए लेवल की मीटिंग, भारत कर रहा आयोजन। रशिया और ईरान ने आएगा इस मंच पर, लेकिन चाइना और पाकिस्तान को लगी मिर्ची। तीसरी बड़ी अपडेट, दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच नौसेना प्रमुख ने दी चेतावनी, रास्ता रोका तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई। चौथी बड़ी अपडेट, इस्लामाबाद चारों तरफ थू थू होने के बाद जागी इमरान सरकार। इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण को दी पूरी तरीके से मंजूरी। तो दोस्तों, एक एक करके आपको बताएंगे। पांचवी बड़ी खबर, भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। जहां चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टक्कर देगा अमेरिका, पूरा प्लान समझ में आएगा तो आप भी कहेंगे वाह वाह। तो एक एक करके विस्तार से खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल कश्मीर में नहीं थम रही टारगेटेड किलिंग एक्शन में केंद्र सीआरपीएफ की 5 और कंपनियों को होक करेगी तैनात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग की वारदातें थम नहीं रही हैं। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 5 और कंपनियों को वहां भेजने का फैसला कर लिया है। इनकी तैनाती 1 हफ्ते में हो जाएगी। आपको बता दें कि वहां के पुराने श्रीनगर के बोहरी कदल इलाके में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की दुकान पर सेल्समैन के तौर पर काम करने वाले एक नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना श्रीनगर के बदमालू इलाके में आतंकवादियों द्वारा एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या करने के दिन सामने आई है। दरअसल इस घटना के बाद से ही केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है, और सीआरपीएफ ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में नागरिकों की हत्याओं के मद्देनजर सीआरपीएफ 5 अतिरिक्त कंपनियां जम्मू कश्मीर भेज रही हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, लगातार बढ़ रही आतंकी वारदात। कुछ दिन पहले कश्मीरी पंडित एक और की कल शाम परसों शाम गोली मार के हत्या कर दी गई। इसके बाद आपको बता दें कि एक लगभग पूरा का पूरा सफाया जो है जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ की 5 और कंपनियां तैनात करके सफाया होगा। अगली अपडेट, अफगानिस्तान संकट पर एनएसए लेवल की आज मीटिंग कर रहा भारत, आयोजन करेगा चीन का शामिल होने से इनकार, तो रशिया और ईरान ने संभाला मोर्चा। दोस्तों, अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच भारत एनएसए लेवल की मीटिंग आज कर रहा है। इसमें अफगानिस्तान के पड़ोसी मुल्कों के लेकर रूस के और रूस और मध्य एशियाई देश हिस्सा लेंगे। वहीं बैठकों से पहले सूत्रों ने बताया है कि इस वार्ता में अफगानिस्तान में आतंकवाद और सीमा पार आतंक पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा युद्धग्रस्त मुल्कों में बढ़ती कट्टरता और अतिवाद पर भी बैठक में शामिल एनएसए चर्चा करेंगे। तालिबान के कब्जे के बाद से अफगानिस्तान में आतंकी हमलों में इजाफा हुआ है। सूत्रों ने बताया है कि मध्य एशियाई देश नशीली दवाओं के उत्पादन और इनके तस्करी को लेकर खास चिंतित है। इन मुल्कों को इस बात की चिंता है कि अफगानिस्तान में छोड़े गए सैन्य हथियार खतरा बन सकते हैं। दरअसल युद्ध के बाद यहाँ नाटो सैनिकों के हथियार छूट गए थे। चीन ने कहा है कि शेड्यूलिंग समस्या के कारण ये बैठक में भाग लेने में असमर्थ हैं, और इनमें कहा गया है कि अफगानिस्तान पर विपक्षीय और द्विपक्षीय रूप से भारत के साथ बातचीत के लिए पूरा तैयार है। अगली अपडेट, दक्षिणी चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के बीच नौसेना प्रमुख ने दी चेतावनी, रास्ता रोका तो भारत करेगा कड़ी कार्रवाई। जिन देशों की हरकतें हिंद और प्रशांत महासागर में स्वतंत्र, खुले और समावेशी आवागमन के खिलाफ है, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराया जाना चाहिए। बताया जा रहा है कि फिलहाल वे गलत हैं और खुद में सुधार लाएं, जरूरत पड़ने पर भारत उन्हें रोकने के लिए कार्रवाई भी करेगा। चीन का नाम लिए बगैर नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने यह बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि यदि कोई देश समुद्र में गलत कार्य करेगा तो उसे मौजूदा स्थिति बदलने से रोका जाएगा, और गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। विदित हो कि दक्षिणी चीन सागर के अधिकांश इलाके में कब्जा कर वहां से होने वाले जहाजों का आवागमन बाधित करने की रूपरेखा तैयार कर रहा, इसे लेकर पूरी दुनिया में चिंता है। कॉन्क्लेव में रक्षा सचिव अजय कुमार ने कहा है कि हिंद और प्रशांत महासागर क्षेत्र में हो रहा नौसेना का विस्तार सामान्य घटनाक्रम नहीं है, और उसकी पृष्ठभूमि में बड़े कारण छिपे हैं जिससे जुड़े खतरों को नकारा भी नहीं जा सकता है।
हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान चारों तरफ थू थू होने के बाद जागी इमरान सरकार, इस्लामाबाद में हिंदू मंदिर के निर्माण को दी मंजूरी। दोस्तों, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक और हिंदू मंदिर का निर्माण किया जाना था, लेकिन कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटन को रद्द कर दिया। इसके बाद इमरान खान सरकार की जमकर आलोचना की गई है। हालांकि कड़ी आलोचनाओं के बाद पाकिस्तान सरकार सही रास्ते पर लौट आई है। अब कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने आदेश को वापस ले लिया है और इस तरीके से एक बार फिर मंदिर निर्माण के लिए रास्ते खुल गए हैं। एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने अपनी खबर में बताया है कि पाकिस्तान में सीडीए ने पहले इस्लामाबाद में एक हिंदू मंदिर के निर्माण ने अपनी जमीन के आवंटन को रद्द कर दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर H9/2 में मंदिर निर्माण के लिए जमीन आवंटित की गई थी। सीडीए के वकील जावेद इकबाल ने सोमवार को इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया था कि संघीय कैबिनेट द्वारा राजधानी के हर क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस साल फरवरी में भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया था। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत पहुंचे नेपाल के सेना प्रमुख को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। दोस्तों, नेपाल सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा भारत के 4 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंच गए। भारत पहुंचे नेपाली सेना प्रमुख शर्मा को साउथ ब्लॉक में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये वहाँ भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक प्राप्त करेंगे। जनरल शर्मा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के साथ साथ सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रशिक्षण पर चर्चा करेंगे और ये यात्रा नेपाली प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के जून 2021 में चुने जाने के बाद नई दिल्ली के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के रूप में मानी जा रही है। अगली अपडेट, चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ऐसे टक्कर देगा अमेरिका, समझिए पूरा प्लान क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका ने दुनिया में 5 से 10 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में निवेश करने की योजना बनाई है। इसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की काट के तौर पर देखा जा रहा है। इस निवेश के तहत अमेरिका के सेंगनोल और घाना जैसे क्षेत्रों में कम से कम 10 जरूरी प्रोजेक्ट की पहचान की गई है और इसमें अमेरिकी अधिकारी निजी क्षेत्र के मालिकों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। अधिकारी G7 ग्रुप द्वारा वर्ल्ड फॉर बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव के तहत प्रोजेक्ट की तलाशी में जुटे हुए हैं। इन प्रोजेक्ट को दिसंबर में होने वाले G7 की बैठक में अंतिम रूप दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने अक्टूबर महीने की शुरुआत में इस मामले को लेकर इक्वाडोर, पनामा और कंबोडिया जैसे देशों का दौरा किया था। आधिकारिक एक भी एशियाई देश के नाम से बस्ते लेने से बच रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि G7 देशों के इस पहल से विकासशील देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को $40 ट्रिलियन तक कम करना होगा। एक और अपडेट, तो दोस्तों, नेहरू के शासन में चीन अरुणाचल प्रदेश में कब्जा कर बनाया गांव, पेंटागन रिपोर्ट पर पहली प्रतिक्रिया। जी हां दोस्तों, भारत के अभिनंदन अरुणाचल प्रदेश में घुसकर भारतीय जमीन पर गांव बनाने की अमेरिकी रिपोर्ट पर पहली बार भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई गई है। भारतीय समाचार एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट दी है। चीन ने भारतीय जमीन पर आज नहीं बल्कि उस वक्त कब्जा किया जब भारत में पंडित नेहरू की सरकार थी। समाचार एजेंसी ANI ने भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से रिपोर्ट दे दी है। जिस गांव के बनने का दावा किया गया है वो नेहरू के शासनकाल में ही बन गया था। दरअसल पिछले हफ्ते पेंटागन ने भारत और चीन विवाद को लेकर अमेरिकी संसद में रिपोर्ट पेश किया है जिनमें दावा किया गया है कि चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश में जमीन पर कब्जा कर लिया और अब 100 घरों वाले एक गांव का निर्माण चीन की तरफ से किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में खलबली मचा दी गई है और विपक्षी पार्टियां भारत सरकार से सवाल पूछ रही हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के एक बड़े अधिकारी के हवाले से ANI ने अपने रिपोर्ट्स में कहा है कि पेंटागन की रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश के जिस क्षेत्र में गाँव बनाने का दावा किया गया उस क्षेत्र पर चीन ने 1959-60 पर कब्जा कर लिया था, यानी 59 में ही कब्जा कर लिया है। अब इस खुलासे के बाद कांग्रेस पार्टी पर ही यानी भारत सरकार मोदी सरकार की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर भी हमला और यानी नेहरू के टाइम काल में ही ये इलाके जो है वो कब्जा चीन कर लिया था जो कि आज घर बना रहा है। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही है। पेंटागन की रिपोर्ट पर ये भारत की तरफ भारतीय सुरक्षा प्रतिष्ठान से जुड़े बड़े अधिकारी ने जवाब दिया है।
हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान नेवी को सौंपा सबसे बड़ा अत्याधुनिक स्टील्थ वॉरशिप, भारत की बढ़ेगी मुश्किलें। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान भारत को घेरने के लिए हर वक्त चाले बुनता रहता है, लेकिन अब इस बीच चीन की सरकारी मीडिया ने सोमवार को दावा किया कि चीन की सरकार की तरफ से पाकिस्तान को अत्याधुनिक स्टील्थ युद्धपोत सौंप दिया गया है। ये युद्धपोत टाइप 054 स्टील्थ वॉरशिप हैं, जिनके अंदर आसानी से रडार को चकमा देने की क्षमता मौजूद है। इसके साथ ही चीन की तरफ से दावा किया गया है कि यह समझौता चीन पाकिस्तान के सभी मौसम में रणनीतिक सहकारी साझेदारी पर प्रकाश डालता है। पाकिस्तान ने इस युद्धपोत का नाम PNS तुगलक रखा गया है, और चीन की सरकारी टैबलाइट ग्लोबल टाइम्स ने बताया है कि जहाज तकनीकी रूप से उन्नत और अत्यधिक सक्षम प्लेटफॉर्म है, जो पानी में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम है। इसके साथ ही ये युद्धपोत सतह से हवा में, सतह से पानी के भीतर मार करने में भी सक्षम है। इसके अलावा इस युद्धपोत में निगरानी क्षमता भी पूरी तेजी के साथ मौजूद है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान ने फिर छेड़ा पुराना राग। इमरान खान बोले, दक्षिणी एशिया में शांति के लिए कश्मीर मुद्दे का समाधान जरूरी। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे को लेकर पुराना राग छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि दक्षिणी एशियाई में स्थायी शांति और स्थिरता के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों और कश्मीरी लोगों की इच्छा के अनुसार कश्मीर मुद्दों का न्याय संगत समाधान जरूरी है। खान ने टिप्पणी जम्मू कश्मीर के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विशेष दूत यूसुफ डेलबो से बातचीत करते हुए कही है। डेलबो ने माननीय मामलों के सहायक महासचिव तारिक वक्त और OIC प्रतिनिधिमंडल के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के साथ उनसे मुलाकात की। भारत ने पूर्व में OIC से देश की आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए निहित स्वार्थी तत्वों को अपने मंच का फायदा उठाने की अनुमति देने से परहेज करने को कहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। यूपी के नए कानून के कारण निरस्त हुए CAA प्रदर्शनकारियों को जारी पुराने नोटिस। दोस्तों, आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा है कि नागरिकता संशोधन कानून CAA विरोधी आंदोलन के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए यूपी के जिला प्रशासनों द्वारा कथित तौर पर प्रदर्शनकारियों को पूर्व में भेजे गए नोटिस निरस्त हो गए, क्योंकि प्रदेश सरकार ने नया कानून बना लिया है। जस्टिस DY चंचूड़ और जस्टिस AS बोपन्ना की पीठ ने तब मामले की सुनवाई 2022 नवंबर तक स्थगित कर दी, जब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि यूपी के जवाब पर प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करेगी। पीठ ने कहा है कि राज्य में नया कानून लागू हो गया है, इसलिए पूर्व में जारी नोटिस निरस्त हो गए हैं। राज्य सरकार ने इस साल की शुरुआत में द यूपी रिकवरी ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल 2021 नाम से नया कानून पारित किया गया था। इसके तहत सरकारी एवं निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के दोषी पाए गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कारावास और 1,00,000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। अगले अपडेट, आखिर क्या चाहता है चाइना? मुश्किल पर्वतीय इलाके में सैन्य अभ्यास कर रही चीनी सेना, भारी हथियारों का हो रहा है इस्तेमाल। दोस्तों, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी इन दिनों पश्चिमी पठार इलाके में सैन्य अभ्यास कर रही है, और उसने ये अभ्यास चीन की सीमाओं के नज़दीक भारतीय सेनाओं के सैन्य अभ्यास के बाद शुरू कर दिया है। दरअसल, चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि PLA का अभ्यास देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए हो रहा है, और यह भारत के बहकावे वाली कार्रवाई को जवाब है। इस सैन्य अभ्यास में PLA की सिंजियांग मिलिट्री कमांड के अंतर्गत आने वाले आर्टिलरी रेजिमेंट हिस्सा ले रहे हैं, और यह अभ्यास ऊंचे पर्वतीय इलाके में रात दिन चल रहा है। इसमें 155 मिलीमीटर वाली सेल्फ प्रोपेल्ड हॉब्जर तोप और 122 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल हो रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट। मछुआरों की हत्या पर भारत हुआ सख्त, पाकिस्तान के राजनयिकों को किया तलब। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग, जहां पे भारत ने सोमवार को पाकिस्तान उच्चायोग के एक वरिष्ठ राजनयिक को तलब कर पाकिस्तानी तटरक्षकों द्वारा एक निर्दोष भारतीय मछुआरों की हत्या का पर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। पाकिस्तानी समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने शनिवार को अरब सागर में मछली पकड़ने वाली एक भारतीय नाव पर अकारण गोलीबारी की, जिनमें भारतीय नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य घायल हो गया है। दरअसल, एक सूत्र ने बताया है कि पाकिस्तान के उच्चायोग में एक वरिष्ठ राजनयिक और सोमवार को विशेष मंत्रालय ने तलब किया, और पाकिस्तान की ओर से भारतीय मछुआरों पर अकारण गोलीबारी की घटना का कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है।
हम चलते हैं अगली अपडेट। चीन ने पाकिस्तान को सौंपा सबसे आधुनिक युद्धपोत टाइप 054 उन्नत रडार सिस्टम और निगरानी क्षमता से लैस। दोस्तों, चीन ने सोमवार को सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत पाकिस्तान को सौंप दिया है, जो कि किसी भी रडार से बच निकलने में सक्षम है। इस युद्धपोत का नाम टाइप 054 है। इसमें क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी भारत की नौसैन्य क्षमता के जवाब में पाकिस्तान और चीन सागर को क्षमताएँ बढ़ेंगी, हमने आपको पहले ही बताया। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, OIC 57 देशों का जो मुस्लिम संगठन है, एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर रोना रो दिया है। दोस्तों, आपको बता दें, पाकिस्तान एक बार फिर से भारत के खिलाफ दांव चलने में कामयाब रहा। पाकिस्तान उकसाने पर ही इस्लामिक सहयोग संगठन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला है। पाकिस्तान का एक सक्रिय एजेंडा कश्मीर को लेकर OIC को गुमराह करने का है। यही कारण है कि OIC ने कहा है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करता है। OIC यानी आत्मनिर्णय, स्वयं से जम्मू कश्मीर के जो आतंकी हैं निर्णय करें कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान मिलाना है कि कहां ले जाना है, इसका समर्थन OIC कर रहा है। जरूरी नहीं है कि आप आत्मनिर्णय करें, आप सिर्फ कुछ ना करें, शांति बनाए रखें, भारतीय सेनाएं सब कर देंगी। हम चलते हैं अगले अपडेट। तालिबान ने अपने लड़ाकों को बनाया गवर्नर और पुलिस चीफ, प्रमुख पदों पर 44 सदस्यों की नियुक्तियां। दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने अंतरिम सरकार की घोषणा की है। वहीं अब तालिबान ने अपने लड़ाकों को देश के प्रमुख पदों पर काबिज करने में जुट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तालिबान ने अपने 44 सदस्यों को प्रांतीय गवर्नर और पुलिस चीफ जैसे प्रमुख पदों पर नियुक्त किया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि देश में शासन प्रणाली को मजबूत किया जा सके। तालिबान के कब्जे के बाद से ही युद्धग्रस्त अफगानिस्तान सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। सितंबर में अंतरिम सरकार बनने के बाद ये तालिबान की पहली बड़े पैमाने पर नियुक्ति है। तालिबान द्वारा जारी एक सूची के अनुसार कारी बरियाल को काबुल का गवर्नर नियुक्त किया गया, जबकि वाली जान हमजा शहर के प्रमुख के रूप में काम करेंगे। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव बोले 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य हर हाल यूपी में पूरा करेंगे। दोस्तों, मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने विभागों के अफसरों को कहा है कि चालू वित्त वर्ष के अंत तक 3 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करेंगे। इसके लिए विभागों को अभियान का तर्ज पर जुटना होगा। जम्मू कश्मीर में सोमवार को रोजगार सृजन योजना पर हुए कार्यों की समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव ने ये निर्देश दिए हैं। कृषि उत्पादन और पशुपालन विभाग के प्रशासनिक सचिव नवीन चौधरी ने बताया है कि विभाग ने 20 से 25 हज़ार लोगों को पशुपालन क्षेत्र में स्वरोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस पर मुख्य सचिव ने कहा है कि कृषि व इससे जुड़े क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार देने की योजना तैयार करें। मुख्य सचिव ने मिशन यूथ के तहत अगले माह 10 हज़ार युवाओं को रोजगार के अवसर देने का लक्ष्य तैयार करने पर जोर दिया है। इस अवसर पर J&K बैंक के चेयरमैन ने इस अवसर पर जानकारी दी कि वित्त वर्ष में 3 लाख नए उद्यमियों को कृषि संबंधित उद्यम स्थापित करने के लिए लोन मुहैया करवाया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, बिग ब्रेकिंग, ताइवान ने कहा हमारी सुरक्षा को गंभीर खतरा है, चीन हमारे पोर्ट और एयरपोर्ट बंद करने वाला है। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच तनाव अभी भी लगातार जारी है और इसी कड़ी में ताइवान ने कहा है कि चीनी सैनिक ताइवान के प्रमुख एयरपोर्ट और पोर्ट को ब्लॉक करने में सक्षम है। ताइवान ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद खतरा बताया है। आपको बता दें कि चीन ने लगातार ताइवान को धमकी दी है कि वो ताइवान को चीन का हिस्सा बनाएंगे। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जा करने को लेकर सैन्य कार्रवाई से भी इनकार किया। ताइवान पर नियंत्रण के लिए चीन लगातार सैन्य गतिविधियों को तेज करने में लगा हुआ है। ताइवान लगातार सरकार हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले 2 सालों में चीनी युद्ध विमानों ने 554 बार ताइवान की सीमा में घुसपैठ की थी। मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि चीन रणनीतिक तौर पर ताइवान पर थका देना चाहता है। तो दोस्तों, फिलहाल एक और बड़ी अपडेट। फडणवीस ने फोड़ा दिवाली बाद बम, कहा दाऊद के परिवार से जुड़े हैं नवाब मलिक की फैमिली के तार। दोस्तों, दिवाली के बाद बम फोड़ने का दावा करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को नवाब मलिक में गंभीर आरोप लगाए हैं। अपनी प्रेस वार्ता में देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के परिवार के संबंध में मुंबई धमाकों में शामिल दाऊद इब्राहिम की फैमिली से हैं। उन्हें दाऊद के परिवार से जमीनी खरीद दी थी। पूर्व CM ने यह भी कहा है कि किसी जमीन को दाऊद के लोगों ने सस्ते में खरीदा था।
ऐसे में सवाल यह है कि नवाब मलिक अपने मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से ज़मीन क्यों खरीदी। ऐसी कौन सी बात थी जिनके कारण मुंबई के गुनाहगारों ने LBS रोड पर 3 एकड़ ज़मीन आपको 20 लाख रुपये में दे दी है। तो दोस्तों ये बड़ी खबर निकल के आ रही है और ये सही बात है कि आखिर अंडरवर्ल्ड से ये सीधे सीधे तार दिखा रहे हैं। अगली अपडेट एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों बदायूं में बोले सीएम योगी, पिछली सरकारें आतंकियों से मुकदमे वापस लेती थी और हम उन्हें लोक परलोक की यात्रा पर भेज रहे हैं। आखिर सवाल सरकार कौन सी चाहिए। दोस्तों यूपी के विधानसभा चुनाव में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार में जुटे योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं। आज योगी बदायूं जिला पहुँचे, यहाँ उन्होंने समाजवादी पार्टी के गढ़ रही बदायूं के सहसवान क्षेत्र सीट के क्षेत्र में रैली को संबोधित किया। सासवान में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार ने बहुत से जरूरी काम किए हैं। उन्होंने कहा है कि अब कानून व्यवस्था का पालन हो रहा है। पिछली सरकारें आतंकवादियों को मुकदमा वापस ले लेती थी, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास पर बुलाकर सम्मानित किया जाता था, लेकिन हमारी सरकार में आतंकियों को उनकी जन्नत भेज दिया जाता है। तो दोस्तों बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों, मुजफ्फरनगर में 5 मुस्लिम परिवारों ने किया धर्म परिवर्तन। 18 साल पहले अपनाया था मुस्लिम धर्म, अब फिर से आ गए हिंदू बन गए। दोस्तों यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में 5 मुस्लिम परिवारों द्वारा हिंदू धर्म में वापसी करने का मामला सामने आया है। सभी परिवारों ने 18 साल पहले हिंदू धर्म छोड़ मुस्लिम धर्म अपनाया था, जिनका आज मुजफ्फरनगर के बगभरा ब्लॉक में स्थित आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ कर शुद्धि